टोंक के अभ्यर्थियों में आरपीएससी के खिलाफ आक्रोश है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड ग्रुप सी का सामान्य ज्ञान और एजुकेशनल साइकोलॉजी परीक्षा की सुबह की पारी में पेपर रद्द होने के बाद सभी अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताई है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा सेंटर्स के बाहर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की। इस दौरान टोंक शहर के 27 परीक्षा सेंटर्स के बाहर अफरा तफरी का माहौल। इस दौरान आनंद फानंद में कई परीक्षा सेंटर्स के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया। वही गुर्जर छात्रावास में भी अभ्यर्थियों ने नारेबाजी कर आक्रोश जताया है। नवभारत समाचार टोंक से केशव राज सैन की रिपोर्ट। नाम बताएं आपका? निशा चौधरी। किस तरीके की सूचना मिली? अंदर काय का पेपर था आज? सेकंड ग्रेड का पेपर था साइंस का, तो हम बैठे थे 9 बजे तक, तो आके बोल दिए कि आउट हो गया, तो हम आ गए। नहीं लग रहा अच्छा, सुबह इतनी ठंड में आए थे, सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से, आरपीएससी से? इस तरीके के पेपर कराते हैं, पैसा जमा कराते हैं, अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, किसी को सिक्योरिटी अच्छी रखे, ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चे इतनी दूर से आते हैं, मेहनत करते हैं, बुरा लग रहा है। ज्योत्सना जोशी। ज्योत्सना क्या था, कहाँ आए थे आज आप? मैं दरबार स्कूल में एग्जाम देने के लिए आई थी, मेरे पेपर लीक हो गया। कहाँ से आया? मैं निवाई से। क्या क्या हुआ, किस तरीके का पेपर था, फिर क्या सूचना आपको अंदर से मिली? पेपर हम 9 बजे तक बैठे रहे, उसके बाद बोला कि पेपर नहीं होगा, पेपर आउट होगा, हम बाहर आ गए। कितने बजे सूचना दी? हमें 9 बजे। कितनी तैयारी की थी, अब कितना कैसा लग रहा है? दुख हो रहा है, पर अब क्या कर सकते हैं, वापस आएंगे देने। शाम का पेपर भी देना है। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? हम सुरक्षा सही होनी चाहिए, हम इतनी तैयारी करके यहाँ पेपर देने आते हैं और फिर वापस ऐसे निराश होकर जाना पड़ता है। नाम मुकेश गुजर। जी कहाँ आए थे? सर मैं जयपुर से पेपर देने के लिए आया था, और जैसे ही 9 बजे तक हमें इंतजार करवाया गया, फिर 5-10 मिनट को और बोला गया कि भी पेपर थोड़ी देर बाद आएगा। जब तक हम इंतजार कर रहे थे तो बोला गया कि पेपर आउट हो गया, पेपर पहुँचने से पहले आउट हो गया। ये प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है। और का पेपर था? पेपर था जीके का और साइकोलॉजी का। हम जयपुर से आया था सर। कैसा लग रहा है? बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ सर, अच्छे से तैयारी की थी और फिर लास्ट एंड मोमेंट पे पेपर आउट हो जाता है। ये महावीरपुरी। कहाँ आए थे? जयपुर से आया था पेपर देने। फिर क्या सूचना मिली? तो यहाँ पे हमारे के रूम के अंदर एग्जैक्ट 9:04 पे बोला कि पेपर कैंसिल हो गया है, निरस्त हो गया आपका। क्वेश्चन बुकलेट आया था लेकिन उनमें साइन करवाने की देरी थी, उसको सील को ऊपर से काटा था। काटने के बाद वापस में 2 बंदे आए और उनको ले गए पेपरों को वापस। शिक्षक भी आपके पेपर तक? हाँ, मतलब रूम में पूछ चुका था पेपर, बांटे नहीं थे पेपर बस। क्या मांग करेंगे सरकार से? मांग ये करेंगे इस पेपर को जल्दी से जल्दी टाइम पे करवाए। मेरा नाम राजेश्वरी वर्मा है। किस तरीके की सूचना थी, कई अभ्यर्थी बाहर निकल आए हैं, क्या सूचना पूरी मिली है और क्या? टेलीफोन पे सूचना आई थी, पेपर कोऑर्डिनेटर जो थे उनका फोन आया था कि अगर आपने प्रश्न पत्र भिजवा दिए गए हैं तो फौरन मतलब मंगवाए जाएं। तो मैंने बाहर जाके और जो भी लेके गए थे फौरन मंगवा लिया, इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई। उसके बाद कहा कि ये कंट्रोल रूम से जो है सूचना आई है, बस यही पता है। क्वेश्चन बुकलेट पेपर बांट दिए गए थे स्टूडेंट्स? नहीं, बिल्कुल नहीं बांटे थे हमने, तो रास्ते में ही थे। कितने बजे जा रोके गए? टाइम तो 8:50। कितने अभ्यर्थियों का सेंटर था यहाँ पर? 336। अभी लगातार जारी है परीक्षा, कुछ निर्देश? हाँ, बिल्कुल आगामी जो परीक्षा होगी आगामी बिल्कुल होगी, यथावत होगी। बस ये वाली थोड़ी आगामी परीक्षा यथावत रहेगी जी, जिस तरीके के निर्देश हैं।